वीरता केवल जंगे मैदान की मोहताज नहीं, पराक्रम गोली बंदूक का गुलाम नहीं। हाँ, पर जब वो परिस्थितियां आती हैं, तो शौर्य और निखर कर आता है। लड़ाई के मैदान में या तो हार है या जीत है। किस मिट्टी से लोग बने कि इनको डर नहीं लगा? मेरे ख्याल से वो शायद पैदा ही इसलिए हुए थे कि कोई मिशन को पूरा करना है। जिन वीरों की कहानियां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो देश द्वितीय उदाहरण पेश करते हैं। ने लिखा था कि जब तक आपको ये लेटर मिलेगा, मैं तो आसमान से अप्सराओं के बीच में आपको देख रहा हूँगा, और अगर मैं दोबारा इंसान बना तो मैं दोबारा से अपनी इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी 8 जून को। उसने कहा कि माँ, आई विल कम एंड सेलिब्रेट योर वेडिंग एनिवर्सरी एंड माई बर्थडे। 28 अगस्त को उसका बर्थडे था, 10 सितंबर को उसकी शादी थी। सो एवरीथिंग गॉट स्टिल। ये किस्से खत्म तो युद्ध भूमि में होते हैं, पर इनकी वीरता तो धरती पर पांव धरते ही दिखने लगी थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीर भोग्य वसुंधरा, यानी जो वीर है वही धरती पर राज करता है, वही धरती का सुख भोग सकता है। आज वंदे मातरम में जिस वीर की कहानी हम आपको सबसे पहले सुनाने जा रहे हैं, वो उसी रेजिमेंट का हिस्सा था जिसका ये नारा था। लेकिन उसकी वीरता की कहानी सुनाने से पहले हम आपको उसकी शख्सियत से रूबरू कराते हैं, कैप्टन विजयंत थापर। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये आवाज 22 साल के उस नौजवान की है जो सबसे भीषण युद्ध के सबसे कठिन मिशन पर निकलने वाला था, करगिल के हीरो लेफ्टिनेंट विजयंत थापर। गाने बजाने के थोड़े शौकीन थे, तो कैसेट्स उनके आए थे, तो उनमें से व्यूअर उनमें से जब हम प्ले कर रहे थे उनको, उनमें से दो कैसेट मिले। ये गाने वो किसी चमचे के साथ ड्रम बजा रहे हैं और एक दो उनके दोस्त हैं मिलके, वो उन्होंने गाने गाए थे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के। रणभूमि में रिकॉर्ड किया ये विजयंत का आखिरी गाना था। न तो इस आवाज में खौफ की सलवटें हैं, न अंदाज में मौत का डर। इस आवाज में बेफिक्री है, इस अंदाज में चुनौती है। ये हिंदुस्तान के एक ऐसे वीर सपूत की आवाज है जो मातृभूमि पर कुर्बान होने को अपना परम कर्तव्य मानता था। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जब हम किसी परेशानी से झल्लाते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमें कैप्टन विजयंत थापर की कहानी के बारे में सोचना चाहिए। जरा उन परिस्थितियों की कल्पना कीजिए, एक 22 साल का नौजवान एक टेंट में बैठा हुआ है जो बिल्कुल अंधेरा है, बाहर -5 डिग्री का तापमान है, चंद घंटों में निकलकर 16,500 फीट की एक पहाड़ी को फतेह करने जाना है। जहां पर वो टेंट है उसके ठीक ऊपर पाकिस्तानियों का एक बंकर है जहां से वो लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। आपको पता नहीं आप जिस मिशन पर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वहां से लौटकर आ भी पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन उसके बावजूद उस टेंट में बैठकर बेफिक्री से अपने वॉकमैन पर एक गाना रिकॉर्ड करना, ताकि जाते जाते माँ बाप को एक आवाज तो दे सके। ऐसे ही थे कैप्टन विजयंत थापर, उनकी जिंदगी का पैमाना छलकता ही रहता था। बचपन से ही हर बात में अव्वल, गाना, एक्टिंग, हर चीज में माहिर। पर विजयंत के परिवार में उनसे पहले की 3 पीढ़ियां सेना में थी, लिहाजा छोटी उम्र से ही उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। फिर उनके नामकरण की भी तो एक खास कहानी है। पहले तो मैं वीरेंद्र हूं और हमने कहा कि वी से ही उसका नाम होना चाहिए, तो हमने उस समय में 60 आर्मर ब्रिगेड में था पठानकोट में, और वहाँ पे चारों तरफ टैंक ही टैंक थे। विजयंत हमारा मेन बैटल टैंक था,
तो हमने ज़्यादा कुछ उसके वो नहीं किया और एकदम उनका नाम विजयंत रख दिया। उनको कभी इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि उन्हें कुछ और करना है, तो वो फौज के लिए ही बने थे। जिस साल पिता कर्नल वीएन थापर 37 सालों बाद सेना से रिटायर हुए, उससे बस कुछ ही महीने पहले 12 दिसंबर 1998 को लेफ्टिनेंट विजयंत थापर आर्मी में कमीशन हुए। एक महीने ग्वालियर में रहे, इसके बाद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जाना पड़ा, जहां आतंक अपना सर उठा रहा था। December 1998 में उनका कमीशन हो गए थे IMA से, और वो बड़े गर्व का एक मोमेंट होता है जिंदगी में हर एक अफसर की, तो उसी तरह से हमारे सबके लिए भी था। और उसके बाद में वो अपनी पल्टन जो है 2 राजपुताना राइफल्स ग्वालियर में चले गए और वहाँ कुछ ही दिन रहे और उनकी पल्टन को मूव कर दिया गया कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में गांव के स्कूल के पास ही यूनिट का कैंप लगा। इस स्कूल में 5 साल की एक लड़की पढ़ती थी, रुखसाना। कुछ साल पहले आतंकवादियों ने रुखसाना के पिता मोहम्मद अकबर की हत्या कर दी थी। उस हादसे का ऐसा असर उस नन्ही सी बच्ची पर पड़ा था कि उसकी आवाज चली गई। उस बच्चे को उसने देखा कि वो 4 साल का लड़की, छोटी सी रुखसाना, वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके फादर को टेररिस्ट ने उसके सामने शूट किया था, तो उसकी स्पीच ही चली गई। लेफ्टिनेंट विजयंत जब जब रुखसाना को देखते, वो सोचते कि ये गुमसुम क्यों रहती है। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और जब उसकी कहानी सुनी तो इस बहादुर सैनिक का दिल मोम हो गया। उन्हें जब भी ड्यूटी से वक्त मिलता, वो फौरन रुखसाना के पास आ जाते। इसे ऊपर वाले का करिश्मा कहें या एक सैनिक की लगन, रुखसाना बोलने लगी। उस वक्त मैं फर्स्ट में पढ़ती थी, वो थापड़ अंकल मेरे स्कूल पे आया था, मेरी प्रिंसिपल के साथ बात की थी। उसने बोला था कि उसकी पढ़ाई के पैसे और वादी उसकी और कारी पेंशन मैं दूंगी। कितना आसान होता है सेना के जवानों पर जुल्म के इल्जाम लगा देना, कितना आसान होता है मदद करने वाले उन हाथों को पत्थरों से छलनी कर देना। रुखसाना की कहानी उस सोच पर एक तमाचा है। आज वो लड़की 22 साल की हो गई है, पर न तो विजयंत के परिवार वालों ने उसे भुलाया है, न उसके लिए विजयंत को भुला पाना संभव है। जब मैंने सुना था कि थापर साहब उसने शादी की, तो उस वक्त मुझे बहुत फील हुआ था। घर में मम्मी को, पाया को और मुझे सबको फील हुआ था। हमने कुछ नहीं खाया था। उसी तरह जिस तरह मेरा पापा डेथ हुआ था मुझे इस वक्त फील हुआ था, इसी तरह मुझे थापर साहब की तरह से मतलब फील हुआ था। बहुत याद करते हैं उसको। रुखसाना की मदद करना महज इत्तेफाक नहीं था, दरअसल ये तो उन्होंने खुद के लिए तय कर रखा था। उनकी एक डायरी थी जिसमें वो सारी चीजें वो लिस्ट करके रखते थे जो वो करना चाहते थे, और इन सभी नियमों का कानून समझकर पालन करते थे वो। घर वाले विजयंत को रॉबिन नाम से पुकारते थे, सबके लाडले थे वो, इसीलिए वक्त पर चिट्ठियां भेजते। उनकी एक डायरी की नोटिंग से उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मैं हमेशा अपने देश का झंडा बुलंद रखूंगा। मैं मौत के बाद अपनी आंखें दान करूंगा। मैं सिगरेट, शराब, मांस और अंडों का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी अपनी आंखों में नहीं गिरूंगा। मैं एक बच्चे को गोद लूंगा। मृत्यु से पहले मैं राम को याद करूंगा। उसको कहना था, आपने बोला था कि हमेशा भगवान का नाम हमेशा याद रखना। तो वैसे भी वो बच्चा बहुत रिलीजियस था, करणी माता में आस्था थी, क्योंकि वो जो उनकी यूनिट की 2 राजपुताना राइफल्स की वो देवी है, और उसको कभी ये भी नहीं था कि कौन हिंदू है, कौन नमाज पढ़ता है, कौन मंदिर जाता है, कौन क्रिश्चियन है, नहीं। कुपवाड़ा में तैनाती के दौरान विजयंत 2 भीषण काउंटर टेरर ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन सेना में उनको कुल 3 महीने का ही वक्त हुआ था जब करगिल युद्ध में कूच का फरमान आ गया।
विजयंत अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एम बी रविंद्रनाथ और कंपनी कमांडर मेजर पी आचार्य के कमांड में द्रास पहुंचे। जहां उनकी बटालियन 2 राजपुताना राइफल्स को तोलोलिंग से दुश्मन को मार भगाने का जिम्मा सौंपा गया था। 12 जून 1999 को तोलोलिंग पर हुआ हमला तीव्र था। लगातार 6 घंटों से 120 बंदूकें एक साथ बरसी थीं। दुश्मन या तो मोर्चा छोड़कर भाग रहा था या मौत के घाट उतर चुका था। लेकिन पहाड़ी पर कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां बंकरों को बम भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। ये लड़ाई कई दिन तक चलती रही और काफी घमासान लड़ाई के बाद में, जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग भी थी, ये हमने जीती। उसके बाद में मुझे विश्वास हो गया कि अभी हमारे जवान जो हैं वो आगे की पहाड़ियों के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते हैं। टू राजरिफ के मेजर विवेक गुप्ता का अदम्य साहस देखते ही बनता था। पूरी रात चली लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन तोलोलिंग पर फिर तिरंगा लहराने लगा। इससे बहुत मोराल बूस्ट हुआ और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था 5140, क्योंकि इस टाइम तक 2 राजरिफ और 18 ग्रेनेडियर्स ने काफी दिनों तक लड़ाई लड़ी थी। तोलोलिंग कैप्चर हो चुका था, हम्प कैप्चर हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था 5140। लेफ्टिनेंट विजयंत थापर ने भी एक बंकर पर कब्जा किया, 2 पाकिस्तानियों को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना की यह पहली कामयाबी थी, पर 7 जवान और 1 अफसर की शहादत से जीत गमगीन थी। विजयंत ने अपने माता पिता को जो चिट्ठी लिखी उसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। उम्मीद है जब मेरी चिट्ठी आपको मिलेगी, आप तोलोलिंग में 2 राजरिफ की फतह की खबर सुन रहे होंगे। हमें इसके लिए बैटल ऑनर मिलने वाला है। हमने एक अफसर गंवा दिया, उम्मीद है उन्हें परमवीर चक्र मिलेगा। मैं अभी तक तो जिंदा हूं, पर अगले अटैक का मालूम नहीं। यहां जिंदगी बहुत मुश्किल है। 16,000 फीट पर हर तरफ बर्फ है, लाशें बिखरी हैं, पर अब मुझे इस बमबारी की आदत हो गई है। प्लीज 14 से 18 तारीख तक के सारे अखबार बचा कर रख लीजिएगा। लव, रॉबिन। उसने मेरे को कॉल किया कि मम्मा, हमने ना विक्ट्री जो है वो हासिल कर ली है और उनको मार के भगा दिया उधर से, कुछ को मार दिया, कुछ भाग गए, ये करके। तो तब मेरी उससे 2 मिनट बात हुई थी। फिर उसने मेरे को ये कहा कि मम्मा, अब ना मेरे को, मैं आपको 20-25 दिन के बाद कॉल करूँगा, क्योंकि मेरे को एक और टास्क मिला है, एक और मतलब काम मिला है, तो आप फ़ोन पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे एक टास्क मिला है, उसको पूरा करने के बाद ही जो है मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगा। ये लड़ाई की शुरुआत थी, पर मरते मरते दुश्मन ने रीइन्फोर्समेंट की गुहार लगा दी। यानी तोलोलिंग पर काउंटर अटैक लाजमी था और साथ में जिन इलाकों पर पाकिस्तान पहले से काबिज था उन इलाकों में किले बंदी की हद तक तैनाती कर दी गई। 3 पिंपल्स, नोल और लोन हिल एरिया वो 3 फीचर्स थे जिनसे अब दुश्मन को मार भगाना था। ये एक बेहद मुश्किल मिशन था। पाकिस्तानी सेना यहां पर मजबूत स्थिति में थी, सभी बातें दुश्मन के पक्ष में थी। चट्टानों की ओट में बने बंकर, दोनों ओर तीखे ढलान, हजारों फीट गहरी खाई से घिरे और बिल्कुल सीधी चढ़ाई जिस पर कहीं कोई कवर भी नहीं। 28 जून की रात थी जब लेफ्टिनेंट विजयंत थापर के प्लाटून ने उस रिज पर चढ़ना शुरू किया। चांदनी रात की वजह से रोशनी भरपूर थी और दुश्मन उन्हें सीधा देख सकता था, निशाना साधकर गोलियां चला रहा था।
लेफ्टिनेंट थापर और उनके जवान सर पर कफन बांध कर मिशन पर निकले थे। डिफिकल्टी थी टेरेन की, डिफिकल्टी थी फायर की, तो उसके ऊपर भी ना रुकना और सवेरा होने के बाद भी चलते रहना, तो ये चीजें जो होती हैं सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स करते हैं। जो बहादुर हैं वो बहादुरों से बहादुर होते हैं, वो करते हैं। कई जवानों को गोलियां लग चुकी थी पर आगे बढ़ने के अलावा विकल्प नहीं था। जब अंधाधुंध गोलियां बरसती तब सैनिक खतरनाक खाई की आड़ लेते और जब दुश्मन बंदूकों को रीलोड करने के लिए रुकता तब जल्दी से जितना चढ़ सकते थे चढ़ जाते। उस समय पर कर्नल रविंद्रनाथ जो इनके सीओ थे, उन्होंने विजयंत को वायरलेस पे कहा कि विजयंत तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सिर्फ 50 कदम, मात्र 50 कदम नीचे पीछे आ जाओ और अपने आड़ में रहो। अब हम पाकिस्तानियों के पीछे आ चुके हैं और ये कहीं नहीं बच के जा सकते, सुबह हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। तब विजयंत ने उनको जवाब में कहा था कि देखिए यहाँ पे आने के लिए हमारे 8 सिपाही शहीद हो गए हैं और कितनों को गोलियां लग चुकी हैं, अब मैं इसको छोड़ के पीछे आया 50 कदम या जितना भी आप चाहते हैं, तो फिर दोबारा दुश्मन आ जाएगा, मैं नहीं जाने वाला पीछे। ये उनकी आखिरी अपने सीओ के साथ बातचीत। नोल तक पहुंचने में कंपनी कमांडर मेजर पी आचार्य शहीद हो चुके थे। उनकी शहादत की खबर सुनते ही विजयंत का गुस्सा फूट पड़ा। दुश्मन से केवल 15 मीटर की दूरी रही होगी। अपने साथी नायक तिलक सिंह के साथ वो इसी फासले से मुकाबले में डट गए। सामने से 2 मशीन गन लगातार गोलियां बरसा रही थी। जब लगभग 1.5 घंटे के बाद भी संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकला तो लेफ्टिनेंट विजयंत ने आगे जाकर दुश्मन का काम तमाम करने का फैसला किया। फियर्स फायरिंग वो भी कर रहे थे और पत्थर पूरा बुरी तरह से मशीन गन की फायर से पेपर हो चुका था और जब खूब गाली गलौच भी हो रहा था, गाड़ियां ये आपस में फायरिंग भी चल रही थी और गालियां भी दे रहे थे एक दूसरे, और उसके बाद में थोड़ा वक्त हुआ फायर में तो विजयंत ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इनके ऊपर मंगर के ऊपर धावा कर देते हैं। और जैसे ही वो खड़े हुए उसी वक्त वो पाकिस्तान ने गोलियां चला दी और साहब के सिर में एक गोली लगी और साहब वहीं अपने साथी के हाथों में गिर के शहीद हो गए। दुश्मन की गोली लेफ्टिनेंट विजयंत थापर के सर में लगी, उनका निढाल शरीर नायक तिलक सिंह की बाहों में गिर गया। अपने जिंदा दिल अफसर को इस हाल में देखते ही जवानों का खून खौल उठा, वो मौत बनकर पाकिस्तानियों पर बरसे। जब तक सुबह की रोशनी फैली तब तक पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे। दुश्मन भाग चुका था, हिंदुस्तान को जमीन वापस मिल चुकी थी, लेकिन राजरिफ ने अब तक 22 सैनिक और 3 अफसर गंवा दिए थे। ये उनकी शहादत ही थी जिसकी वजह से ये मिशन इम्पॉसिबल संभव हो पाया था। राजपुताना राइफल्स के कैंप में उस रात चूल्हा नहीं जला। दिल में देश के लिए ये जीत हासिल करने का गौरव था, पर एक टीस भी थी अपने साथियों को खो देने की। यही टीस समूची सेना के दिल में गुस्सा बनकर उबल रही थी। ये गुस्सा सेना की ताकत था तो पाकिस्तानियों के लिए मौत। वो पल मेरे दिमाग में आज तक कभी मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो खबर मेरे पास ही आई थी सबसे पहले, मैंने ही रिसीव करी थी। तो अराउंड सुबह का 8:30-9 बजे का टाइम था, तो वो फ़ोन बजा था और आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आई थी हमें कि, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया, उन्होंने कहा कि आपके लिए है एक सैड न्यूज़ है आपके ब्रदर, उन्हें ये नहीं पता था कि फ़ोन पे उस मैं कौन हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कैप्टन विजयंत थापर अब इस दुनिया में नहीं रहे, कल रात को उनकी शहादत हो गई है। मुझे तो आर्मी हेडक्वार्टर से जैसे ही टेलीफोन बजा, जिस डिपार्टमेंट से बजा था मुझे पता लग गया था, एकदम मुझे शक हो गया था कि कोई गड़बड़ हो गई है। वो खबर एक्चुअली मेरा बेटा ही घर में था, मैं भी घर में नहीं थी, कर्नल थापर भी घर में नहीं थे, तो इसने बताया कि मम्मा
मैं स्कूल में थी, तो उसने कहा कि मम्मा रॉबिन ना, रॉबिन नहीं रहा। तो मैंने कहा तू क्या बोल रहा है बड़ी, कहते हाँ मम्मा आप घर आ जाओ जल्दी, और रॉबिन कारगिल में चला गया। भारतीय सैनिकों के उस सर्वोच्च बलिदान ने करगिल में हिंदुस्तान की जीत की नींव रख दी थी। माँ बाप को, परिवार को अपने बेटे के शौर्य पर गर्व था, तो उससे कभी न मिल पाने का दर्द भी। लेकिन दो दिन के बाद एक टू राजरिफ से एक पार्टी आई, उनका ट्रंक वगैरह लेके यहीं पर उन्होंने सारा दिखाया, सामान उनका बचा हुआ, और एक चिट्ठी थी, कैप्टन तोमर थे उनके साथी, उन्होंने एक चिट्ठी हमें दी। उसने अपने फ्रेंड को कहा कि ये मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ अपनी, वापस आ गया तो फाड़ देंगे, अगर वापस नहीं आया तो तुम ये मेरी फैमिली को लेटर देना। तो वो लेटर जो है उसका फ्रेंड इधर लेकर आया था। नोल फतेह के लिए निकलने से पहले लेफ्टिनेंट विजयंत थापर ने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। इस पत्र की पहली पंक्ति में ही साफ था कि उन्हें मालूम था इस मिशन का दूसरा नाम मौत है। प्रिय पापा, माँ, बड़ी और ग्रैनी, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं स्वर्ग में अप्सराओं की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा होऊंगा। मुझे कोई अफसोस नहीं, अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करूंगा। अगर आप आ सकें तो प्लीज़ इस जगह पर आकर देखिएगा कि भारतीय सेना ने आपके कल के लिए किस जगह पर युद्ध लड़ा। जहाँ तक मेरी यूनिट का सवाल है, नए लड़कों को हमारे बलिदान के बारे में बताया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी यूनिट में करणी माता के मंदिर में मेरी भी एक तस्वीर लगाई जाए। प्लीज़ अनाथ आश्रम में दान देना बंद मत करिएगा, और उखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहिएगा। पापा आपको गर्व होना चाहिए, और माँ आपको भी। मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं और मेरी असॉल्ट पार्टी के 12 और, बेस्ट ऑफ लक, खुलकर जिंदगी जीना, आपका रॉबिन। एक आदमी जिसको पता है कि डेथ कभी भी आ सकती है, उसने फिर भी उस चिट्ठी में अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहला ओपनिंग उसने एक ह्यूमर से किया है, तो वो उस इंसान के अंदर की कैरेक्टर को दर्शाता है कि डेथ इज स्टेयरिंग एट हिम, पर वो फिर भी देख के उसको हंस रहे हैं। किस मिट्टी से ये लोग बने कि इनको डर नहीं लगा? इन्होंने जब वो चिट्ठी लिखी तो उन्होंने बोला कि जो होना है वो होना है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये चीज़ें करनी चाहिए। कभी लाइफ में लो होता हूँ या कभी सोच रहा होता हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो वो चिट्ठी ज़रूर पढ़ता हूँ। विजयंत के पिता कर्नल थापर ने बेटे की हर ख्वाहिश का मान रखा। वो अपनी उम्र के बावजूद उन क्रूर ऊंचाइयों पर बार बार जाते हैं जहां जाने की गुजारिश उनके बेटे ने उनसे की थी। वो नन्ही बच्ची रुखसाना अब कॉलेज में पढ़ती है, और अभी भी विजयंत के परिवार वाले उसका खर्च उठाते हैं। अपने लास्ट लेटर में भी उसने लिखा है कि रुखसाना को जो है ना, आपने हर महीने 50 रुपए जरूर भेजने हैं। तो रुखसाना को तो हम 50 रुपए नहीं भेजते हैं, रुखसाना को हम फुली सपोर्ट करते हैं। कर्नल थापर हर बार जब कारगिल जाते हैं तो रुखसाना को मिलते हुए आते हैं। आज रुखसाना 12th स्टैंडर्ड में है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है, और हमने उसकी पूरी जिम्मेवारी लिए, उसकी शादी की जो भी कुछ होगा वी विल सपोर्ट हर। हमने तो अभी एक तरह से रुखसाना को एज ए अपनी डॉटर एडॉप्ट कर लिया। और जहां तक मंदिर का सवाल है, लेफ्टिनेंट विजयंत के साथियों ने ठीक उसी जगह मंदिर बनाया है जिस चट्टान की ओट लेकर कभी उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। जो कुछ कैप्टन विजयंत ने एक छोटी सी उम्र में हासिल किया उसे पाने के लिए 100 साल भी कम पड़ सकते हैं। दिल इस एहसास से तर हो जाता है कि आज भी कश्मीर की उन कठिन पहाड़ियों में किसी खो में एक टेंट में वो हैंडसम ऑफिसर बैठकर यही गुनगुना रहा होगा। युद्ध इतना भयावह होता है कि यहाँ पर एक ही पल में सैकड़ों जिंदगियां चली जाती है, न जाने कितने परिवार तबाह हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हो, खून बहे, लेकिन जब तिरंगे की आन पर बन आती है तो हिंदुस्तान के वीर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जो अगली कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो दिल्ली के ऐसे ही एक अद्वितीय वीर अनुज नय्यर की कहानी है।
जैसे पक्के की ठान लें तो फिर खुद की भी नहीं सुनते थे। वीर ऐसे कि खतरा जितना बड़ा हो उतने आक्रामक हो जाते थे। योद्धा ऐसे जो अंत के आभास में भी विजय का एहसास ढूंढते थे। हमारे पास कारगिल में आने से पहले वो कमांडो कोर्स करके आया था, इसलिए उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ऊंचे दर्जे की थी। गेम्स खेलता था ट्रुप्स के साथ, वॉलीबॉल बास्केटबॉल, इसलिए उसको ट्रुप्स भी बहुत पसंद करते थे। अनुज नय्यर एक प्रोफेसर परिवार से जुड़े होने के बावजूद कलम से अधिक बंदूक ने अपनी ओर खींचा। बचपन में ही सोच लिया था बड़े होकर सेना में भर्ती होना है। एक दफा क्लास 10 में जब उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था तब घुटने से एड़ी तक 22 टांके लगाने पड़े थे। पर 16 साल के अनुज ने एनेस्थीसिया यानी पेन किलर लेने से इनकार कर दिया। थाई से स्क्रैप लेना था इसमें पैर में अटैच करने के लिए, तो उसने ना तो एनेस्थीसिया लिया ना वो परेशान हुआ, आराम से गया। हिज फादर वॉज वेरी अपसेट कि उनको लगा कि इसको कितनी पेन होएगी, पर उसने बड़े आराम से अपनी स्किन ग्राफ्टिंग विदाउट एनी मेडिकेशन करवा ली। वो इसी तरह के थे, मतलब मैं कितना उनके साथ रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ 25 साल, कभी मैंने डर नहीं देखा उनमें। मतलब एक इंसिडेंट ऐसा नहीं कि मैंने देखा हो कि वो किसी चीज़ से उन्होंने बोला हो या दिखा हो उनके चेहरे पर डर है। इंसानी शरीर है, दर्द तो सबको एक बराबर ही होता है, लेकिन इस दर्द पर जो फतेह हासिल कर ले वही है असली वीर। और अनुज तो मानो ऐसा करके जीवन में अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहे थे। वरना एक महानगर में रहने वाला लड़का जिसके पिता प्रोफेसर हो, जो खुद पढ़ाई से लेकर खेल कूद में अव्वल हो, उसके पास विकल्पों की क्या कमी। पर उन्हें पेशा नहीं जुनून चाहिए था। वो तीनों में सिलेक्ट हो गए थे, आर्मी में, निफ्ट में और होटल मैनेजमेंट में। ये तीनों निफ्ट में अपने में ये तीनों बहुत मुश्किल ना होना, तो वो तीनों में सिलेक्ट हो गए थे। पर उन्होंने कहा मैं दर्जी नहीं बनना, मैंने तो निफ्ट में तो जाऊंगा नहीं, लोगों को मैंने खाना नहीं खिलाना तो मैं होटल मैनेजमेंट में नहीं जाऊंगा। पर लड़ने का शौक शुरू से ही था, ब्रेवरी थी, क्षत्रिय हैं हम लोग, तो उन्होंने यही आर्मी चूज की। जून 1997 में अनुज 17 जाट में कमीशन हो गए। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने आर्मी क्यों ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि मैं सियाचिन देखना चाहता था, ये देखना चाहता हूं कि सियाचिन मुझसे ज्यादा ताकतवर है या फिर मैं। धीरे धीरे नय्यर परिवार में सब कुछ सेटल हो रहा था। अफसर बेटे की सगाई हो चुकी थी उस लड़की से जिससे वो 10 साल से प्रेम करते थे। 10 सितंबर शादी की तारीख तय थी, घर पर खूब तैयारियां भी चल रही थी जब अनुज की यूनिट को करगिल में तैनाती का बुलावा आ गया। और माँ को तो इसके बारे में पता भी नहीं था। वो था माहू में कोर्स कर रहा था इंदौर में, तो उस समय उसको जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस में जैसे ही वो आया, 2 दिन के लिए घर पे आया, देखा कि इसका तो जॉन्डिस है, तो वो छुट्टी लेके उसको हमें वो आर्मी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था फॉर 1.5 मंथ। उससे जैसे ही वहाँ से मतलब जॉन्डिस क्लियर हुआ तो कमांडर ने स्ट्रेट वे उसको कह दिया श्रीनगर जाने के लिए, एंड वो वहाँ सीधा वहाँ चला गया। हमें नहीं पता था कि कारगिल का मतलब अनुज का कितना वो था। बाद में जब एक दो इसके फ्रेंड्स यहाँ से गए, उन्होंने पूछा कि आंटी अनुज के लिए कुछ भेजना है, तो इसने कुछ कैसेट्स वगैरह मंगवाई थी। तो मैंने उसको बोला बेटे उसने ये मंगवाई हैं चीज़ें, कहते आंटी वो तो वॉर में है। इसने हमें ये नहीं बताया था कि मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं बताया था कि ये कारगिल में जा रहा है। अनुज की एंगेजमेंट हो गई थी 1 साल पहले एंड उसकी शादी थी 10 सितंबर की। पूरी तैयारी हो गई, वो अपनी ब्राइड ग्रूम की ड्रेस पहन के दिखा के गया यहाँ पर। जब वो वॉर जोन में भी थे वो चिट्ठी में फोन पे यही बोलते थे कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने फादर को वो सच बताते थे। फिक्र करना माँ बाप की फितरत है, पर रणभूमि की तैनाती से अनुज इतने उत्साहित थे मानो मातृभूमि के लिए ऐसे ही बुलावे का इंतजार कर रहे थे वो। सोल्जर्स में एक चीज होती है, आप लड़ते हो आपके साथ जो सोल्जर है, आपके साथ जो लड़ रहा है, आप उसके लिए लड़ते हो कि उसको कुछ ना हो जाए, वो आप उसको बचाओगे, वो आपको बचाएगा।
तो उनके साथ भी he was very very fond of very close to his soldiers. हमारी बटालियन 17 जाट 26 मई को हम मशको वैली पहुंचे थे. उसके बाद हमको ब्रीफिंग दी गई 0.4875 एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी जो कि मशको वैली को डोमिनेट करती थी और वहां पे हमको एक टास्क दिया गया कि 4875 में कुछ दुश्मन हैं और मिलिटेंट्स हैं उसको हमने खदेड़ना है. युद्ध क्षेत्र में ही 23 जून को अनुज नय्यर लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोट हुए. अनुज घर वालों को नियम से चिट्ठियां लिखाकर पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ गुस्से का जिक्र किया कर उन्होंने अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन की भी खबर की. पीक 4875 का मिशन. चिट्ठी में उसने यही लिखा था कि मतलब इस समय यहाँ पर काफी वो हो रहा है और डोंट वरी फॉर योर सन, आई एम ब्रेव इनफ, आई विल फाइट. पीक 4875 का मिशन 2 नागा 13 जैकरिफ और 17 जाट का संयुक्त मिशन. चूंकि यह इलाका बेहद कठिन था और इस पर पाकिस्तानियों की पकड़ मजबूत, जरूरी ये था कि सही तालमेल के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए. 4875 एक बहुत बड़ा फीचर था. उसके जो वेस्ट साइड में था वहां पे एक पिंपल वन वेल बैक और पिंपल टू कॉम्प्लेक्स थे जिसको कब्जा करना बहुत ही जरूरी था. तो हमारे को टास्क मिला था पिंपल वन पिंपल टू और वेल बैक को कब्जा करना और 0.4875 13 जैकरिफ जो हमारे साथ बटालियन थी उनको टास्क दिया गया था. एंगेजमेंट रिंग है पहन के जाओ और तुम्हारे को और जोश देगी एंगेजमेंट रिंग अच्छा करने के लिए. वो कहते हैं नहीं सर मैं ये नहीं चाहता ये मेरी एंगेजमेंट रिंग किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए. उस वक्त मेरे को शायद लगा कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है कि शायद वापस आएगा या नहीं आएगा. मेरे को थोड़ा सा शक सा हुआ. हाँ वो सब कुछ उतार गया था, घड़ी भी उतार गया था, अंगूठी भी उतार के गया था. पता नहीं उसके दिमाग में क्या था. अनुज चाहते थे कि अगर वो वापस लौट कर न आए तो ये अंगूठी उनकी मंगेतर को लौटा दी जाए. भी मिशन के लिए निकलने से पहले का पल भावनाओं का एक अजीब सा मिश्रण होता है. जो सैनिक होते हैं वो भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं तो पहले देश के लिए कुछ मांगते हैं, ये चाहते हैं कि जो उनके साथ ही जा रहे हैं उनकी जान को कुछ ना हो. हाँ मांगते खुद के लिए भी हैं लेकिन सबसे आखिर में. और एक उम्मीद सी होती है दिल में कि जिन लोगों को वो पसंद करते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, उन्हें जिंदगी में दोबारा भी देख पाए. 4875 पर चढ़ाई करते हुए अनुज नय्यर की कंपनी कमांडर शेलिंग में घायल हो गए और लेफ्टिनेंट अनुज को ये मुश्किल काम सौंपा गया. जब कैप्टन अनुज नय्यर को कोई भी टास्क मिलता था तो वो जवानों के साथ चाहे वो पेट्रोलिंग हो चाहे अम्बुस हो चाहे कहीं भी कॉर्डन और सर्च में जाना हो तो अपने टास्क को पूरा करने के लिए पहले सभी जवानों को ब्रीफ करते थे और ब्रीफ करने के बाद ही उस टास्क पे वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ते थे. सर मैं मेरी चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर साहब थे सर और बहुत अच्छे अफसर थे. करीब 72 घंटे से जवान लगातार लड़ रहे थे, न आराम न कुछ खाने को और पानी की एक बूंद तक. जब सामने से दुश्मन के हमले का अंदेशा होता है तब अफसर अमूमन एक हथियारबंद सिपाही को अपने आगे रखा करते हैं, पर अनुज को खुद सबसे आगे रहना पसंद था. चढ़ाई के दौरान पहला बंकर देखते ही वो जमीन पर नीचे झुक गए. बंकर के अंदर घुस घुस करके भी दुश्मन को मारा हमने उस टाइम. टाइम नय्यर साहब को थे उन्होंने उस बैंकर के ऊपर जाके छत के ऊपर जाकर के और उस दुश्मन को मारना चाहा तो उस टाइम गुत्थम गुत्था में नय्यर साहब की भी लग गई और उस बंकर को भी बर्बाद किया.
अनुज ने बाकी सैनिकों से वहीं पर इंतजार करने को कहा और एक साथी को लेकर घुटनों के बल उस बंकर तक गए। जल्दी से एक ग्रेनेड उस बंकर में उछाला और भागकर पीछे आ गए। जोरदार धमाका हुआ, बंकर की बंदूकें खामोश हो गईं। उनके साथी ने जान बचाकर भागते दुश्मन को गोलियों से भून दिया। रात में एडवांस बहुत कठिनाइयां सहते हुए हमने पहले बैंकर को कब्जा किया, जिसमें अनुज नैयर साहब ने सपोर्ट ग्रुप लगाया और लेफ्ट फ्लैंक से उन्होंने जो है बैंकर पर अटैक किया। अगली चुनौती और कठिन थी। दूसरे बंकर पर मशीन गन की सुरक्षा के लिए बाहर भी जवान तैनात थे और उसके ठीक ऊपर तीसरा बंकर था। एक पर हमला दूसरे को सावधान कर देता, मौत तो आती ही मिशन भी फेल हो जाता। उस पर सवेरे की रोशनी भी धीमे धीमे फैलना शुरू हो रही थी। दुश्मन ने वेल बैग के ऊपर 3 काउंटर अटैक डाले उसको रिकैप्चर करने के लिए। जब पहला काउंटर अटैक आया तो मेरे को कंपनी कमांडर ने बोला कि उसका पास एम्युनेशन कम है, तो आप एम्युनेशन भेजे जल्दी। अगर तो मैं एम्युनेशन नीचे से मंगवाता तो मेरे को शायद 24 घंटे लग जाते। तो मैंने जो कंपनी थी अरुण नैयर की कंपनी, उसकी प्लेटून को पूरे एम्युनेशन पानी और राशन के साथ आगे भेज दिया डेल्टा कंपनी को रीइन्फोर्स करने के लिए। तो उसके बाद 2 और काउंटर अटैक आए जिसको हमने नकारा कर दिया। ये वजह थी कि उस रात को हम ये अटैक नहीं कर पाए और मेरे को ये अटैक 24 घंटे और डिले करना पड़ा। वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, हाइट थी और बर्फ का सीजन था। वहाँ पर 72 घंटे का समय पूरा हो चुका था, पीछे से कंटेक्ट नहीं था और हमारा एम्युनेशन खत्म हो चुका था। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम एम्युनेशन की थी हमारे। कैप्टन अनुज नैयर ने 3 बैंकर को कब्जा किया और तकरीबन 9 मिलिटेंट को उन्होंने मारा। अकेले दम पर कैप्टन अनुज ने 3 मीडियम मशीन गन पोजीशन तबाह कर दी और 9 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। कैप्टन अनुज चोटी के बेहद नजदीक पहुंच गए जब अचानक एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड उन्हें आकर लगा। वो वहीं निढाल हो गए। साहब बोले, देख बेटा मेरे हाथ में की लकीरें मेरे फादर ने पढ़ी थी और उन्होंने बोला था कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, कुछ नहीं होगा मेरे को। उसके 30 सेकंड के बाद ही एक आरपीजी का गोला आया और अनुज नैयर के गर्दन पे लगा और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल नजदीक आमने सामने पहुंच गए थे जब साइड वालों ने हमारे बंदों ने प्रोटेक्शन देना बंद किया और एक साथ 20-25 बंदे थे जिसमें साबित शामिल थे और अटैक बोला था उसमें। जब मोर्चे के ऊपर पहुंच गए थे जब साइड वाले मोर्चे से साहब के ऊपर आकर के आरपीजी का गोला लगा और साहब वहीं पर शहीद हो गए थे। सर 17 जाट के सैनिकों का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने पाकिस्तानियों को मसल कर रख दिया। जो उनके कहर से बच गए वो सारा असलहा छोड़कर फरार हो गए। उस दौरान में जब साहब शहीद हुए थे जब हमने पूरा कब्जा कर लिया था उस पिंपल 3 के ऊपर और आमने सामने जब गोली चल रही थी उस दौरान में जो बच्चे हुए थे उनको सबको गुस्सा ये आ रहा था कि यहाँ से पीछे नहीं चलेंगे अभी और जब तक हमारे को फतेह हासिल नहीं होगी जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा की जैकरिफ और कैप्टन अनुज नैयर की जाट बटालियन के कैंप मशकू घाटी में एक दूसरे के अगल बगल थे। वो सवेरा जीत का सवेरा था लेकिन इन दोनों कैंप में अपने अफसर को खो देने का गम भी था और गुस्सा भी था। अब हम आपको एक ऐसी यूनिट की कहानी सुनाते हैं जिसे सबसे वीर होने का तमगा हासिल है। 18 ग्रेनेडियर्स एक ही मिलिट्री ऑपरेशन में सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार हासिल करने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। इसी का हिस्सा है बलवान सिंह। वीर गति, जब युद्ध घोष ऐसा हो तो संकल्प कैसा होगा, उस पर नाम भी बलवान। छोटा बच्चा रहा इधर पढ़ाई करी उसने, बाद में अपने पापा के पास रहते पढ़ा, फिर
मैं टाग उसकी पेपर में छठी फिर खून खड़ा कर नाल पड़े फिर अन्य भी ये करी उसने फिर अब सरीना भर्ती हो गया उसने कारगिल की युद्ध में बहुत लड़ाई करी रियली बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एक महावीर चक्र की पत्नी हूँ लेकिन इसके साथ साथ ये मेरे बच्चों के लिए भी एक बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर है लेकिन ये मेरे हस्बैंड ही है मुझे जैसा कि उनका नाम बलवान है उन्होंने वैसे तो वो प्रूव कर दिया है लेकिन वो मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है देश की सेना में हर 10वां सैनिक जिस राज्य हरियाणा से आता है उसी के झज्जर जिले के गाँव ससुरौली में बलवान सिंह का जन्म हुआ था उनकी चॉइस थी और हमारे फादर थे वो सेकंड आर्ट में थे पहले तो उन्होंने भी दो तीन लड़ाई देखी उनका भी ये था मैं भी और मैं हिस्सा लूँ और दुश्मन के में केवल 4 महीने का वक्त हुआ था जब उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स की तैनाती युद्ध क्षेत्र में कर दी गई लेफ्टिनेंट बलवान 27 दिनों तक तोलोलिंग के कठिन ऑपरेशन में तैनात रहे और फिर जुलाई में उन्हें टाइगर हिल को हासिल करने के निर्णायक मिशन पर रवाना कर दिया गया टाइगर हिल पर नियंत्रण की कोशिशें 1.5 महीने से चल रही थी पर 3 जुलाई को सेना की जो कार्रवाई शुरू हुई वो कुछ अलग थी शाम से आर्टिलरी फायर ने टाइगर हिल को लगातार निशाना बनाया और इस यार्ड में 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स चोटी की ओर बढ़ने लगे जो लेफ्टिनेंट बलवान सिंह थे लड़ाई ये मई जून में शुरू हुई थी मेरे पास ये शायद मार्च में 3 महीने पहले ही आए थे एकेडमी से इनको जो भी काम दिया गया वो उन्होंने बहुत बेखूबी से निभाया बहुत जोश के साथ निभाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे निभाया हालांकि टाइगर हिल ऑपरेशंस में ये खुद घायल हो गए और मैंने उनको कहा कि आप पीछे आइए और हम आपकी जगह दूसरे को भेजेंगे लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया उस रोज घने बादल छाए हुए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून की अगुवाई कर रहे थे नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे चढ़ाई कर रहे थे प्लाटून ने बमुश्किल आधी ऊंचाई नापी थी कि हवा के एक झोंके ने बादलों को उड़ा दिया चोटी से महज 60 मीटर की दूरी थी लेफ्टिनेंट बलवान की पलटन को भारी कैजुअल्टी झेलनी पड़ रही थी वो खुद भी घायल थे उनके बाएं पैर और हाथ में एक एक गोली लगी थी लेकिन वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे इतनी देर में दूसरे फ्लैंक से और भारतीय जवान भी चोटी पर पहुंच चुके थे ऊपर बैठे 30 पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया पर मिशन खत्म होने के बाद जब बाकी जवान घर पर बात करने को उत्सुक थे 24 साल के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह घबरा रहे बहुत पूछने पर उन्होंने अपनी चिंता बताई मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जाना था कि कहीं इन्होंने पोज किया था कोई सिगार को लेकर और दुर्भाग्यवश वो फोटोग्राफ उनके पिताजी ने झज्जर में देख लिया और मैंने देखा कि बाकी तमाम अधिकारी लड़ाई के बाद छुट्टी जाना चाहते हैं और ये शायद हिचकिचाहट कर रहे थे तब पता चला कि ये सारी बात ऐसी है और जिसकी वजह से उन्हें डर लग रहा है कहीं उनके पिताजी उनकी इस बात को पसंद नहीं करेंगे लेकिन जब बाद में उनको पिताजी को सही स्वरूप में ये बात बताई और तब ये जो बात की क्लेरिफिकेशन हुई और उसके बाद वो अपने घर गए और उसके कुछ महीनों के बाद उनकी शादी भी हो गई जरा सोचिए जो इतना बलवान था कि न उसे गोलियां रोक पाई न 16,500 फीट ऊंचा पहाड़ वो पिता की डांट से घबरा रहा था पर ये संस्कार भी तो एक योद्धा की ही निशानी है ऐसे ही वीर बलवानों का देश है हिंदुस्तान ये किस्से कभी खत्म नहीं हो सकते आज के लिए इतना ही फिर हाजिर होंगे किसी और वीर की कहानी के साथ वंदे मातरम